हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन रिएक्शन इंडिया। इंडिया। टुडे विथ अस तंजा एंड वी आर हेलो गोइंग टू रिएक्ट अनदर वीडियो ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश। सो बांग्लादेश की सीरीज में जो काफी सारी वीडियोस हम बनाते हैं, उसमें एक और ऐड होने वाला है और वो होने वाला है ढाका ढाका का सिटी। वीडियो। ढाका सिटी एट नाइट 2023 पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 4K वीडियो होने वाली है भाई। तो क्यों? क्योंकि ये 4K HD में है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपलिफ्ट बांग्लादेश के द्वारा ये वीडियो शूट की गई है, तो 4K में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट हों और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। आपकी कंट्री को से रिलेटेड लेकर और काफी सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड हम कंटेंट नए नए ले आए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई साहब, लिटरली फर्स्ट मतलब पहला रिएक्शन मेरा यही था ना, जैसे ही ओपन हुआ शॉट, मतलब मुझे वाओ लगा ना कि हाँ, लिटरली मुझे लगा कि ये कहीं मतलब दूसरी कंट्री का था, जैसे बैंकॉक वैंकॉक या फिर कोई बड़ा, मतलब ऐसा लग रहा था। और जो व्यू आ रहा है ना इसका, हमने पहले एक रिएक्शन दिया था जिसमें दिन का व्यू था और जिसमें दोनों तरफ ऐसे लेक नहीं बने हुए थे, वो लेक इसमें भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब, ये एक्सप्रेस वे सच बताऊं बहुत बेहतरीन बना हुआ है। मुझे पता सबसे अच्छा कौन सा लगा, हाँ जो एक यही जो लास्ट शॉट नहीं था, ये हाँ
अगल बगल हाईवे और बीच में जो होल टाइप का था अच्छा वो जो राउंड सर्कल बना है यार, मतलब क्या मस्त नहीं बना रखा है वो। वो काफी प्यारा बनाया है। आर्किटेक्ट के हिसाब से देखें तो काफी प्यारा है। ऊपर से जो रुपायन करके एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग भी मतलब काफी बेहतरीन बिल्डिंग लगा दो मुझे, तीन फ्रेम स्टार्टिंग के तो वही थे। वो काफी अच्छे थे। और साथ में ऊपर पार्टी वार्टी क्रूज व्रूज वाला, मतलब वैसा माहौल था, क्रूज कराऊं, पार्टी, स्विमिंग पूल सब में अच्छा माहौल बना हुआ था। मतलब ना सड़कें, मतलब हाईवे मैं बोलूंगी, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको एक सिंपल सी हाईवे मिल जाएगा, दो चार स्ट्रीट लाइटें लगाई हुई मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। पूरा जगमगाता है, जैसे दिवाली हो रही होगी और ये पूरे लगभग कितने माहौल लेन की हाईवे है? ये आई थॉट है, मुझे लगता है में। यहाँ फोर, से है भाई, यहाँ से नहीं वो नहीं है, ये वाले हैं, वो सिर्फ तो ये है। वॉकिंग के लिए, चलने के लिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लेन है, या फिर सिक्स, 1 2 3 8 लेन फोर हाईवे है ये, 8 लेन हाईवे है ये, 8 लेन हाईवे है। तो ये काफी ज्यादा, मतलब कह सकते हैं मतलब काफी बड़ा होता है 8 लेन, काफी ज्यादा बड़ा होता है। और बीच और बीच में ना इसका डिजाइन बहुत अच्छा दिया, मुझे तो सबसे अच्छा डिजाइन लगा ना इसका, यूनिक है थोड़ा सा, लगेगा ना जैसे आप सड़क पे जा रहे हो तो थोड़ा अच्छी वाइब भी आनी चाहिए। लेकिन हमने जो इससे पहले वीडियो देखी थी वो दिन की थी, और उसमें कुछ हाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, अभी इसमें लग रहा है कंप्लीट हो चुका है काम। और कंस्ट्रक्शन हम चल भी रहा हो तो रात में दिखेगा हाँ, नहीं, रात और नाइट का, लेकिन ढाका का में जो नाइट का व्यू है ना बहुत बेहतरीन है, मतलब हमें लिटरली बहुत अच्छा लगा। हमें लिटरली ऐसा नहीं लगा कि हम बांग्लादेश को देख रहे हैं, जैसे जो एक होता है ना लोगों का माइंड सेट होता है बांग्लादेश ऐसा होगा ऐसा होगा, हमें लिटरली लग रहा है कि नहीं भाई बांग्लादेश डेवलप कर चुका है, अब कर नहीं रहा है ये बोलना नहीं पड़ेगा, कर रहा है, कर चुका कर है, चुका और है। अभी भी उसकी ओर और आगे बढ़ रहा है। और साथ में ऐसे एक्सप्रेस वे अगर आएंगे तो डेफिनेटली जो है और ज्यादा आगे बढ़ेगा, बिल्कुल क्योंकि किसी भी कंट्री की, किसी भी गांव का, और कोई भी जो रास्ता होता है ना वो उसके क्या कहते हैं बेहतरी के लिए जो है सबसे पहले सामने आता है। तो किसी गांव में अगर सड़क आती है तो उस गांव का विकास होता है, तो बिल्कुल उसी अगर किसी देश में अगर ऐसे ऐसे हाईवेज आते हैं तो उस देश का विकास होता है। तो काफी अच्छा लगे हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख के। अगर आपको भी पसंद आया हो ये वीडियो, और ये अपलिफ्ट बांग्लादेश ने वीडियो अपलोड की थी, आप उनके चैनल पर जाके वो ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम कमेंट मिलेंगे कीजिए। आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।